The ratio of age of Ram and Rahim 20 years ago was 1:3. आज से 10 years ago, I'm very sorry, 10 साल पहले उनकी ages का ratio क्या था? 1:3, ठीक है? 10 years, आप लोग इसको verbally करने की कोशिश कीजिए, मेरे को तो समझाना है, आप इसको मन में करने की कोशिश कीजिए. 10 years ago ratio क्या था? 1:3. Ratio of their age 5 years hence. 5 years hence मतलब 5 years after. 5 years after क्या हो जाएगा ratio? 2:3. देखो यहाँ gap कितने का है? यहाँ पर 2 का gap है. यहाँ पर कितने का gap है? 1 का gap. मैंने क्या करा, ये 2:3 लिखा. ये जो 2:3 ना, इसको मैंने multiply कर दिया 2 से. 2 से multiply करने से क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? 4:6. ये 2 का gap हो गया. यहाँ ऑलरेडी 2 का गैप है, 1:3, ये पहले ही 2 का गैप है, ठीक है ना? अब जब ये गैप सेम आ गया, देखो 10 साल पहले और 5 साल बाद, मान लो आज ईयर चल रहा है 2010, आज से 10 साल पहले क्या था? 2000. आज से 5 साल बाद 2015, तो दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया? 15 ईयर्स का ना. तो मतलब यहाँ से यहाँ मैंने 15 ईयर ऐड करे, तो ये एक पार्ट बदल के कितने पार्ट हो गए? 4 पार्ट. इसका मतलब मैं कह सकता हूँ क्या, एक पार्ट बदल के 4 पार्ट हुआ, यानी 3 पार्ट, 3 पार्ट्स इज इक्वल टू 15 ईयर्स, ठीक है ना? ये 3 पार्ट कैसे आए? 4-1 यानी 3 पार्ट्स. 3 पार्ट 15 साल के बराबर, 1 पार्ट 5 साल के बराबर, ठीक है? रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज, पहले आप कोई भी एज निकाल लो, ठीक है? देयर एजेस, देयर एजेस मान लो मैं कहता हूँ 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले उनकी एज क्या थी? 1:3, 1:3 पार्ट्स, यानी ये कितना हो गया? एक पार्ट 5 के बराबर है और 3 पार्ट किसके बराबर है? 15 के बराबर. तो ये 10 साल पुरानी एज है. अब उनकी एजेस क्या हो जाएगी? देयर एजेस नाउ ये कितना हो जाएगा? 10 साल जोड़ दो 15:25, यानी 3:5. क्लियर है? कौन सी ऑप्शन आंसर होगी? ऑप्शन नंबर 2. दिस इज द आंसर.